हेलो किडी पाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ स्मोकी आईज मेकअप। और स्मोकी आईज क्योंकि वो डार्क होती हैं, पॉपिंग होती हैं, और आप क्योंकि सारा एफर्ट्स अपनी आईज पे डाल रहे होते हो तो आपको अपना लिप्स न्यूट्रल रखना होता है। ये गलती मैंने एक बार की थी एंड इट लुक्स सो ईविल। अगर आप केवल लाइनर करें और फंटास्टिक लाइनर और साथ में एक बहुत बोल्ड लिपस्टिक लगा रहे हो, इट लुक्स कूल। अगर आप अपने आईज को डार्क कर रहे हो एंड ऑल्सो योर लिप्स, देन इट्स नॉट गोना वर्क। सो आईज डार्क कर रहे हो तो लिप्स को लाइट रखिए। आईज पे ज़्यादा वर्क नहीं है, केवल लाइनर है एंड लिटिल बिट ऑफ लाइट कलर्स, तो लिप्स को आप पॉप कर सकते हो। और न्यूट्रल मेकअप रखना है, एकदम नो मेकअप मेकअप लुक, देन ऑल ओवर लाइट कलर्स। ये था थोड़ा कलर का कॉन्सेप्ट ताकि आपको एक विजुलाइजेशन मिल जाए कि मेकअप करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाइल चूजिंग आवर कलर्स। अब क्योंकि स्मोकी आईज है तो स्मोकी आईज में भी दो टाइप्स आप कर सकते हो, लाइट एंड डार्क। टुडे आई एम गोना डू डार्क वन जिसमें कि ब्लैक एंड ब्राउन यूज़ होता है जो कि बेसिक स्मोकी आईज होते हैं। आज मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी वो है मेबेलिन न्यूड्स पैलेट। इसके कलर्स देखिए कितने प्यारे हैं। एज यू कैन सी दिस इज स्पार्कलिंग ब्लैक, दिस इज मैट ब्लैक, दिस इज द ब्राउन शेड जो हमें स्मोकी आईज के लिए चाहिए। इसमें आपको डार्क ग्रीन कलर, अगर आपको ग्रीन स्मोकी आईज चाहिए फॉर दैट, और गोल्डन कलर, दिस इज वाइट। आपको अगर ब्राउज हाईलाइट करने हैं फॉर दैट पर्पस वाइट, और इसमें पिंकिश शेड भी दिया हुआ है शिमर में, एक न्यूट्रल पीच कलर दिया हुआ है। अगर आपको पॉपिंग कलर्स नहीं चाहिए लाइक पिंक रेड ब्लू एंड दैट टाइप ऑफ कलर्स जो कि पॉप होते हैं, वैसा नहीं चाहिए, देन गो फॉर दिस पैलेट, इट्स रियली अमेजिंग। और इसका प्राइस आप चेकआउट करें ना, ऑलमोस्ट 500 समथिंग है विच इज़ सो अफोर्डेबल। एंड इसकी पिगमेंटेशन इज सो गुड, ये ब्लैक मैट है, जस्ट सी द पिगमेंटेशन, द स्पार्कलिंग ग्लिटरी ब्लैक। सो दिस इज द शेड। ओके, ये थोड़ा फीका है उसे, बट या दैट्स द शिमर ब्राउन कलर, और ये है न्यूट्रल ब्राउन कलर, ये शिमर ब्राउन है, ये न्यूट्रल ब्राउन है। नॉट टॉकिंग अबाउट लाइटर शेड्स, दिस इज द वाइट शेड एंड दिस इज द पिंक शेड, लाइट बेबी पिंक शिमर कलर। सो दैट्स द पिंक वन एंड दैट्स वाइट कलर। वाइट कलर का अच्छा खासा पिगमेंटेशन है एज यू कैन सी एंड इट्स गुड। एंड लेट्स ट्राई वन गोल्डन कलर ओवर हियर। ये लाइट गोल्डन है एंड दिस इज ऑलमोस्ट पिंकिश एंड डार्क गोल्डन। आपको इसका शाइन नहीं दिख रहा होगा बट इट्स लिटरली लाइक हाइलाइटर, इट्स लिटरली हाइलाइटर। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर न्यूट्रल कलर्स इन अफोर्डेबल रेंज, देन दैट्स द पैलेट। ओके, सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो फॉर दैट आई यूज सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। सिलिकॉन हमारे स्किन के पोर्स को इवन आउट करने में बहुत हेल्प करता है और रिंकल्स को यू नो रिड्यूस करने में, एक इवन सर्फेस लाने में प्राइमर बहुत हेल्पफुल होता है, और ताकि मेकअप हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना करे, एक बैरियर की तरह काम करता है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले आपको अपना 3-step रूटीन हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, आपको वो करना है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लीनिंग मीन्स यू हैव टू डू फेस वॉश और वॉट एवर यू लाइक। टोनिंग अगर आपकी ड्राई स्किन है देन रोज़ वाटर से कर सकते हैं, अगर ऑयली स्किन है तो एस्ट्रिंजेंट से कर सकते हैं, और एनी टोनर कंटेनिंग विच हेजल। एंड थर्ड इज मॉइस्चराइजर। उसके बाद जब 2-3 मिनट के लिए मॉइस्चराइजर जब अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, लीव इट फॉर 5 मिनट्स एंड देन यूज प्राइमर। आई एम यूजिंग प्राइमर बाय RCO। बेसिकली यू हैव टू कवर अप योर नोज एरिया क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन पोर्स वही होते हैं। आईज पे लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप किस फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं। इस
उसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट फील होती है, ओ माय गॉड। मेकअप को आप वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप डार्क कलर्स अपने आईज पे डार्क कलर्स यूज़ कर रहे हो तो फिर, क्योंकि फॉल आउट्स होता है, तो फिर यू शुड अवॉइड यूजिंग फाउंडेशन फर्स्ट। पहले आप अपने आईज कर लीजिए, सबसे पहले आईब्रोज, देन आईज, उसके बाद जब फॉल आउट्स उसको रिमूव करने के बाद फाउंडेशन। बट अगर आप बहुत लाइट मेकअप कर रहे हैं, बहुत लाइट आई मेकअप कर रहे हैं, देन यू कैन डू योर फाउंडेशन फर्स्ट, क्योंकि फाउंडेशन को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड बिकॉज आई एम डूइंग स्मोकी आईज टुडे, तो उसमें फॉल आउट्स होगा डार्क कलर का, सो आई विल डू माई आईब्रोज एंड आईज फर्स्ट। सो फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग मिस क्लेयर आईब्रो केक। इसमें चार बहुत प्यारे शेड्स दिए हुए हैं। दिस वन इज डार्क ब्राउन, दिस वन इज ऑरेंजिश ब्राउन, दिस वन इज लाइटर ब्राउन, एंड दिस इज ग्रेश वाइटिश ग्रे, एंड आई डोंट नो इसका क्या पर्पज़ है, बट या आई यूज थ्री ऑफ देम। यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। वेट अ सेकेंड। अगर आप लेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू अप्लाई लेंसेज, तो मैं इसको ऑफ कैमरा अप्लाई कर रही हूँ। ओके सो गाइस, मैंने लेंसेज लगा लिए हैं, सो डूइंग योर आईब्रोज, डार्क ब्राउन शेड एंड मीडियम ब्राउन शेड। Now it looks fuller, right? So like that, I will do this off camera. Now using a spoon, I will comb it out. Now using a flat brush, I will cut clean my eyebrows using a concealer. You must use light color concealer अपने आँखों के लिए, so that आप जो colors use कर रहे हो वो pop हो के आए। Now with the beauty blender I will even it out and immediately मैं इसे powder से set कर दूँगी, but very light powder। ज़्यादा powder आप apply कर लोगे तो फिर इसमें color deposit ही नहीं होगा। Now using a blending brush and I'm using somewhat lighter brown color, इसको मैं क्रीज लाइन पर अप्लाई करूंगी। Now I will use some kajal. Now I will take some black color and fix that kajal. And somewhat smudge it on the outer edges. Halka sa darker brown leke, I will smudge it with the black. So can you see the transition effect? Now using a highlighter palette, मैं इसे inner eyes और brow bone पे करूँगी highlight. I will do the size off camera. मैंने यहाँ पे Maybelline का Fit Me in the shade 220 लिया हुआ है. Now using a damp beauty blender, मैं इसे blend कर रही हूँ। Again using a beauty blender, you have to blend it out. Now I will do nose contouring.
जस्ट ब्लेंड इन दोज हार्श लाइन्स। Now I will use some compact. Time for highlighter. I will apply some light pink blush. मैं Huda Beauty का liquid matte lipstick use कर रही हूँ। Now one thing is left, which is fake lashes. मैं lashes off camera लगा लिया था। आई हैव दिस बैंग्स, इसमें क्लिप अप करने के लिए है। मैंने इसको बहुत पहले क्लब फैक्ट्री से मंगाया था, अब तो क्लब फैक्ट्री बंद हो चुका है। आई होप आपको आज का ये लुक पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।